आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश जिसका चुनाव विधानसभा का एक ऐसा चुनाव होता है जिससे केंद्र की सत्ता तय की जाती है। राजनीतिक दल ये जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी अपने विधानसभाओं को और विधानसभा में अपनी संख्या को बढ़ा ले तो केंद्र का जो चुनाव होगा उसमें काफ़ी आसानी मिलेगी। और ये उन राजनीतिक दलों के लिए सबसे अहम है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र की राजनीति करते हैं या अन्य प्रदेशों की राजनीति करते हैं। मुद्दे भी कई सारे हैं उत्तर प्रदेश में, बेरोजगारी, महंगाई, बिजली, किसान, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, कई सारे मुद्दे हैं। और इन मुद्दों के बीच में जो जुमले हैं उन पर भी अब जो रस्साकशी का जो दौर है उस पर काफी तेजी हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उस चुनाव के दौरान जो राजनीतिक दल हैं वो जानते हैं कि किस कड़ी पर किस तरह से फोकस करना है ताकि जनता के बीच जब जाया जाए तो उसका जवाब हमारे पास हो। उसी कड़ी में एक प्रमुख वर्ग है और वो वर्ग है श्रमिक वर्ग। उत्तर प्रदेश में आज 1.5 करोड़ श्रमिकों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हजार हजार रुपए उनके खाते में भेजे गए हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि पहली बार उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी सरकार आई है जो श्रमिकों के बारे में सोच रही है, जो श्रमिकों के कल्याण के बारे में सोच रही है। पुरानी सरकारों को तो पता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में श्रमिक भी हैं। पुरानी सरकार सिर्फ अपना जेब भरना जानती थी, वो अपना कल्याण चाहती थी, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में वो सरकार काम कर रही है जो श्रमिकों के लिए भी सोच रही है, श्रमिकों के लिए भी काम कर रही है। और उसी कड़ी में आज डीबीटी के माध्यम से 1,000 रुपया उन श्रमिकों के खाते में भेजा गया। इसके पहले कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मेरठ में थे तो उस दौरान भी उन्होंने उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों पर काफी हमले बोले थे। उन्होंने ये कहा कि आज के समय में जो विपक्षी दल हैं उन्हें राम मंदिर की याद आ रही है और वो ये कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में होते तो राम मंदिर का निर्माण करवा देते। लेकिन ये वही सत्ता दल है जो कभी राम भक्तों पे गोलियां चलवाती थी तो कभी कब्रिस्तान के निर्माण में मशगूल रहती थी। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में राम मंदिर और कब्रिस्तान के मुद्दे को थोड़ी सी हवा देते हुए खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए हैं। दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी है, जो मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश का, वो भी लगातार कोशिश कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार बदलाव किया जाए, 5 साल की सरकार को हटा करके अपना सिक्का जमाया जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार लगे हुए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, विजय रथ यात्रा कर रहे हैं और उन्हें वो सपोर्ट भी मिल रहा है, चाहे सड़क पर देखा जाए या फिर रैलियों में देखा जाए। कल भी अखिलेश यादव एक रथ यात्रा लेकर निकले थे और उस रथ यात्रा का पूरा फोकस जो था वो ब्राह्मण वोटरों पर था, ब्राह्मण नेताओं पर था। अखिलेश यादव ने कल रथ यात्रा के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर जितना अत्याचार हुआ है, जो फर्जी मुकदमे हुए हैं, जो फर्जी एनकाउंटर हुए हैं, अगर हमारी सरकार आ गई तो इन सबकी जांच होगी। लेकिन इससे ये साफ साबित होता है कि मौजूदा सरकार ब्राह्मणों से कितना नाराज है और उसकी सारी नाराजगी जो है वो ब्राह्मणों पर ही निकल रही है, जिसका सीधा का सीधा नतीजा फर्जी मुकदमे, फर्जी एनकाउंटर है। इसके साथ ही उन्होंने आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को कहा कि जो जैन समुदाय है वो दरअसल अल्पसंख्यक है और इसी वजह से लगातार इन अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए सरकारी छापे पड़ रहे हैं उनके यहाँ आईटी विभाग के। आज ही जो पम्मी जैन है, सपा के एमएलसी, उनको हिरासत में लिया गया है क्योंकि कुछ 20 करोड़ के डॉक्यूमेंट का मामला निकलकर सामने आया है जो उनके यहाँ आईटी की रेड पड़ी थी 35 ठिकानों से। कन्नौज से उन्हें आज हिरासत में लिया गया और इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि इत्र कारोबारी समाज को जोड़ने का काम करते हैं, रोजगार देने का काम करते हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती, बीजेपी नहीं चाहती है कि समाज को कोई जोड़े और इसी वजह से जैन समुदाय के ऊपर इस तरह के आईटी के छापे हो रहे हैं।
इत्र कारोबारियों पे आईटी के छापे हो रहे हैं। तो ये हो गई दो प्रमुख राजनीतिक दल जो इस वक्त लड़ाई में उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुखता से दिखाई दे रहा है, और वो बीजेपी और सपा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो अन्य राजनीतिक दल हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी जमीन को मजबूत करने में लगे हैं, चाहे हम आम आदमी की पार्टी की बात करें, बसपा की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, इनके लिए भी उत्तर प्रदेश में बहुत सी उम्मीदें हैं, और उन उम्मीदों को लगातार जगाने में इनके नेता जो हैं वो लगे हुए हैं। कल केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो राजधानी लखनऊ आए हुए थे, और इस दौरान उन्होंने एक रैली की थी। उस रैली में बड़े पैमाने पर जो जनता थी वो इकट्ठा हुई, और कहीं ना कहीं सत्ता दल और अन्य विपक्षी दल भी देखकर चौंक गए कि आखिर अरविंद केजरीवाल इतनी भीड़ लाए कहां से थे। उस भीड़ में अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर, उत्तर प्रदेश की सत्ता पर, मौजूदा बीजेपी पर कई सारे सवाल दागे, और सबसे अहम बात उन्होंने ये कही कि कोविड काल में क्या हालात था ये आप देख रहे थे, जनता जानती है, और उसी हालात को छुपाने के लिए केजरीवाल ने, मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश ने बड़े बड़े विज्ञापन दिए थे। अरविंद केजरीवाल ने इस बात को भी कहा कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार कोविड के दौरान बेहतर काम करती तो आखिर इतना महंगा महंगा विज्ञापन देने की जरूरत क्या थी। उन्होंने अपनी असफलताओं को छिपाया है। तो ये बात हो गई अरविंद केजरीवाल की, और अब बात करेंगे हम कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस प्रियंका गांधी जब राजधानी लखनऊ में होती हैं या राजधानी लखनऊ के अलावा किसी अन्य जिले में होती हैं या फिर दिल्ली में होती हैं तो वो सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक खुद को एक्टिव करने में लगी हुई हैं। आज भी उन्होंने लखीमपुर की घटना पर सरकार से सवाल पूछा कि आखिर चार्जशीट दाखिल होने के बाद, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 5000 पन्ने की जो चार्जशीट है लखीमपुर मामले को लेकर के वो दाखिल हुई है, और इस चार्जशीट में आशीष मिश्रा को आरोपी बनाया गया है। इनके अलावा 15 और लोग हैं जिनको आरोपी बनाया गया है, और बताया गया है कि जो साक्ष्य मिले थे उन साक्ष्यों से यह साफ साबित होता है कि उस दिन किसानों के ऊपर और कुछ अन्य लोगों के ऊपर जो गाड़ियां चढ़ाई गई थी उस पूरी घटना को अंजाम देने में आशीष मिश्रा संलिप्त था। आशीष मिश्रा को आरोपी तय किया गया है, और उसके बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके सवाल पूछ लिया कि अब अजय मिश्रा को, जो उनके पिता हैं आशीष मिश्रा के, गृह राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उनका इस्तीफा लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये सवाल उन्होंने पूछ लिया। तो ये सारे मुद्दे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, कहीं पर मंदिर कब्रिस्तान, कहीं पर ब्राह्मणों को मनाने की कवायद, कहीं पर लखीमपुर का मामला, तो कहीं पर 300 यूनिट बिजली देने की बात मुफ्त में चल रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन इन मुद्दों के बीच में ये जो चुनावी रणनीतियां तय करी जा रही हैं, इन रणनीतियों के आधार पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में आचार संहिता भी लग सकती है। चुनाव आयोग ने इस बात को भी कह दिया है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो तय समय पर ही होगा, और आने वाली 5 तारीख के बाद यह तय भी हो जाएगा कि आखिर कब कब चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, और उसी के आधार पर आचार संहिता भी तय हो जाएगी। लेकिन उसके पहले राजनीतिक दल ये जानते और वो समझते हैं कि जनता के बीच जाना विपक्षियों की खामियां बताना, और विपक्षी ये जानते हैं कि मौजूदा सरकार की कमियां बताना इस वक्त कितना जरूरी है, और उसी वजह से ये विजय रथ यात्रा, ये जन विश्वास यात्रा, ये सोशल मीडिया पर एक्टिव होना, ये प्रदर्शनों का दौर, ये रैलियों की चर्चाएं, ये ज्यादा इस वक्त उत्तर प्रदेश में अपने चरम पर है। फिलहाल इसका नतीजा क्या होगा ये तो चुनाव के नतीजे के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कसी हुई। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर आगे की रणनीतियां क्या होंगी इन राजनीतिक दलों की। कुछ बयान सुनिए, एक रिपोर्ट देखिए, और उसके बाद इस डिबेट को मैं आगे बढ़ाता हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही सियासी गतिविधियां अपने चरम पर है। जहां एक ओर राजनीतिक दल रैलियां कर रहे हैं और जनसभा कर अपनी छवि को और बेहतर करने की कवायद में लगे हुए हैं। आज तो भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज मैं पूछ रहा था, आज मैं देख रहा था, आज बबुआ बोल रहे थे कि अगर हमारी सरकार होती तो हमारी सरकार भी भव्य राम मंदिर बनाती। अरे मैंने कहा कब्रिस्तान बनाने से फुर्सत होती तो राम मंदिर के बारे में सोचते। जब उनकी सरकार थी
याद करिए, राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग आज कहते हैं कि अगर हम भी सत्ता में होते तो हम भी राम मंदिर का बना देते। इस प्रदेश में बड़े पैमाने पर फर्जी एनकाउंटर हुए हैं और कौन उस बात का भरोसा कर सकता है कि गाड़ी पलटने पे और फिर उसके बाद एनकाउंटर हो जाए। वो गाड़ी पलटने वाला इंसिडेंट आप सबको पता है, गाड़ी पलट गई, इनकाउंटर हो गया। इस सरकार को न संविधान पे भरोसा है, न धर्म पे भरोसा है और न धर्म के रास्ते पे भरोसा है। जहां पे सबसे बुरा कोरोना का मैनेजमेंट हुआ तो वो उत्तर प्रदेश है। इनका इतना बुरा मैनेजमेंट था, इतना बुरा मैनेजमेंट था, इतना बुरा मैनेजमेंट था कि अमेरिका की सबसे बड़ी मैगजीन में करोड़ों रुपए फूंक दिए योगी सरकार ने इश्तिहार देने में। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको इश्तिहार देने की क्या जरूरत है। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक कार्रवाई अब कहीं न कहीं पार्टियों की मुश्किलें बढ़ाती दिखाई दे रही है। मौजूदा सरकार हो या विपक्षी दल, दोनों ही इस वक्त मुश्किलों में घिरते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आज तिकुनिया कांड में उत्तर प्रदेश SIT ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 5000 पन्नों की चार्जशीट में SIT ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया है। इतना ही नहीं, SIT के मुताबिक आशीष घटना स्थल पर ही मौजूद था। इससे पहले SIT लोहे के बक्से में 5000 पन्ने की चार्जशीट लेकर लखनऊ कोर्ट पहुंची। चार्जशीट में पुलिस ने आशीष मिश्रा के एक अन्य रिश्तेदार को भी आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक वीरेंद्र शुक्ला पर सबूत छिपाने के आरोप लगे हैं। आशीष मिश्रा की थार जीप के पीछे चल रही दो गाड़ियों में एक वीरेंद्र शुक्ला की स्कॉर्पियो थी। पहले वीरेंद्र शुक्ला ने अपनी स्कॉर्पियो छिपाकर दूसरे की गाड़ी को बताया था। वहीं SIT ने अपनी जांच में लखीमपुर हिंसा में आशीष मिश्रा के असलहों से फायरिंग की पुष्टि कर दी है। आशीष मिश्रा के रिवॉल्वर और राइफल से भी फायरिंग की बात कही गई है। SIT ने चार्जशीट में आशीष मिश्रा और अंकित दास के लाइसेंसी असलहे से फायरिंग की बात को कहा है, जबकि आशीष मिश्रा ने कहा था कि एक साल से उनके असलहों से कोई फायरिंग नहीं किया गया। पुलिस ने बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर फिलहाल फायरिंग की पुष्टि कर दी है। वहीं अब इस रिपोर्ट के बाद से ही BJP की राह मुश्किल होती दिखाई दे रही है। विपक्षी दलों को एक बार फिर से BJP को घेरने का एक अच्छा अवसर मिल गया है। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की, तो लगातार इत्र कारोबारियों के यहां पर पड़ रहे छापों ने अब सपा की भी सियासी खुशबू को खराब करने की कोशिश की है। दरअसल UP के कन्नौज जिले में लगातार आयकर विभाग की टीम 4 दिनों से सपा MLC पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के घर और कारखानों में छानबीन करने में जुटी हुई है। वहीं टीम रविवार रात पंपी जान को उनके कारखाने में लेकर पहुंची थी। इसके बाद टीम ने मौके पर जांच शुरू की। इस दौरान छानबीन में टीम को कुछ अहम सुराग भी हाथ लगे। इसके बाद सोमवार को सुबह 9 बजे पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन को उनके घर से जांच टीम अपने साथ गाड़ी में बैठाकर कानपुर ले गई। वहीं अब इस मामले में जांच जारी है। जहां एक तरफ दोनों मामलों में जांच का दौर चल रहा है, वहीं विपक्षी दल इन मुद्दों को अपने फायदे के लिए भुनाने में जुटे हुए हैं। अब इन सब का किस सियासी दल को फायदा पहुंचेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्राइम टीवी के लिए अनुष्का सिंह की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपका तारुफ कराता हूँ, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। अश्विनी शाही साहब हमारे साथ BJP से जुड़े हुए हैं, इमरान लतीफ हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अजय सिंह चौबे हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, सुभाष यादव जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ और मेहमान अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों को आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। शाही साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगा क्योंकि मुद्दा भी आप ही लोग से जुड़ा हुआ है। आप लोग लगातार जनविश्वास यात्राएं कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं। कल ब्राह्मण वोटरों को मनाने के लिए और ब्राह्मण नेताओं को मनाने के लिए अखिलेश यादव लखनऊ में निकले हुए थे रथ यात्रा लेकर के, और वो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर सबसे ज्यादा अत्याचार, फर्जी मुकदमे, फर्जी एनकाउंटर हुए हैं। दूसरी चीज उन्होंने ये आज कहा है कि
जो इत्र कारोबारी होता है वो समाज को जोड़ने की कोशिश करता है, समाज को जोड़ता है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती और इसी वजह से आईटी की रेड हो रही है। और एक अहम सवाल ये है कि तिकुनिया कांड को लेकर चार्जशीट दाखिल हो गई है, सब कुछ तो हो ठीक हो गया, 5000 पन्ने की दाखिल हो गई है चार्जशीट, आरोप भी तय हो गया है, आरोपी बता दिए गए हैं आशीष मिश्रा एसआईटी की रिपोर्ट में। अब प्रियंका गांधी कह रही कि आप लोग अजय मिश्रा को बचाने में लगे हुए हैं, क्या मामला है? आपने अखिलेश जी की ब्राह्मण यात्रा से शुरू किया कि ब्राह्मणों को मनाने और उसकी बात कर रहे हैं। देखिए अखिलेश जी की पार्टी का गठन ही परिवारवाद और जातिवाद पर हुआ था। अच्छा। और आज भी अखिलेश यादव जी जातिवाद की राजनीति से उबर नहीं पाए हैं। इन लोगों ने जातिवाद की राजनीति की, पहले एमओआई फैक्टर की बात की, अब ब्राह्मण इनके लिए सबसे प्रिय इसलिए हो गए हैं कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ है। और किसने अत्याचार किया है? देखिए ये कहां से कहां जोड़ा जा रहा है। इन लोगों ने परशुराम जी की मूर्ति लगवाने की बात की है, लगी वो लगी कि नहीं लगी वो बात की बात है। कल एक मंदिर का उद्घाटन किए हैं, वहां फरसा एक है 65 फीट का, उसकी भी पूजा अर्चना की है इन्होंने। जी जी जी। तो अब उसको देखिए, उसको क्या कर रहे हैं, इनके अभी तक एम मतलब मुस्लिम थे, वाई मतलब जो है यादव थे, अब ब्राह्मणों के लिए ये जा रहे हैं। ब्राह्मणों के लिए क्यों जा रहे हैं कि अब ब्राह्मण मतलब परशुराम जी ने क्षत्रियों का कई बार धरती से विनाश किया था, यानी कि इनके एजेंडे में क्षत्रिय नहीं है। वही आप सीधा चलिए छापों पर, जैन को ये ले आए बिरादरी की बात में, जैन अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर, यही जब इनके तीन नेताओं के ऊपर छापे जब पड़े थे तो इनको इनका पहला बयान आता है जब दर्ज हुआ तो अभी ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, ये सब पता था इनको। उसके बाद अब बयान बदल गया कि अब अल्पसंख्यकों के ऊपर पड़ रहा। भाई संस्थाएं काम कर रही है नितिन जी, संस्था में जो पकड़ा गया मनोज यादव पकड़े गए, 68 करोड़ रुपया उन्होंने माना, जबकि आईटी ने कहा नहीं 86 करोड़ है, वो भाई संस्था का काम है और आईटी विभाग का काम है, और मनोज यादव जाने वो सपा से जुड़े हुए हैं। अच्छा। राजीव राय जाने वो सपा से जुड़े हुए हैं। राम गोपाल जी कहते हैं 17,000 रुपया बरामद हुई, 68 करोड़ की बात आ गई। अब वैसे ही जब दूसरे जैन के यहाँ छापा पड़ता है वहां से 2,500 करोड़ बरामद होता है। अब अखिलेश जी का एकदम से पसीना करता है, करीब आप रिबाप पता बता दें, ये तो गलत जगह छापा पड़ गया। हाँ, वो कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया में गड़बड़ हो गया बीजेपी वालों से, गड़बड़ हो गया वो जाना, तो उन्होंने पता शायद इनकम टैक्स को पता बता दिया कि भाई ये भी पंपी जैन भी है, इनके यहाँ छापा डालो, ये तो ही कर रहे थे। उनके यहाँ भी दुबई से या कहाँ से 40 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की चीज आ गई, कई सेल कंपनियां आ गई, अब उसका भी जवाब दे, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, दर्द वहां पर उनको हो रहा है। ये सब मिलाकर देखिए, एक जो जुगत भिड़ाने में लगे हुए अखिलेश जी, अखिलेश जी चूंकि इधर जो हमारी जनविश्वास जन आशीर्वाद यात्राएं निकली हैं हमारी, फिर अपार भीड़ देख लीजिए, इनको ये लग रहा था कि हमारे, कई बार इन्होंने चर्चा किया कि मैं गाजीपुर से चला और लखनऊ पहुंचा, रात भर लोग खड़े रहे। अच्छा है भाई, अच्छी बात है, लोग आते हैं आपका है, लेकिन ये भीड़ कहां से आ रही है? और अभी आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि अरविंद केजरीवाल जी भी कल भीड़ किए थे। हाँ। भाई उनकी भीड़ कहां से आई? इसका हाँ। मतलब कि अब अखिलेश जी जो है कि सीट खतरे में है। हाँ। तो मिलाकर देखना यही चाहिए, तो खतरा आपके लिए भी होगा ना, खतरा, क्योंकि भाई वो कह रहे थे कि कोविड के दौरान आप लोग का जो काम था वो जग जाहिर हो गया और इसी वजह से इश्तिहार दे दे के सब छुपाया है आप लोगों ने। अब देखिए मैं उस पर भी आ रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने जो इश्तिहार की बात की, अभी अभी ज्यादा दिन नहीं गया, अभी ज्यादा चल ही रहा है, पराली जलाने को लेकर जितना पैसा इन्होंने नए किसानों पर खर्चा किया उससे ज्यादा इश्तिहार दे दिया दिल्ली में। उससे इन्होंने पानी लाने की बात की, उस पर इश्तिहार दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी तो इश्तिहार के गुरु हैं, वो अब इश्तिहार उत्तर प्रदेश में समझाएंगे तो वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनका जितना छोटा प्रदेश, वो 2 करोड़ के प्रदेश के मालिक हैं, ये 24 करोड़ प्रदेश का प्रदेश है, यहाँ पर बहुत बड़ा देश है, 12 गुना बड़ा है। तो अरविंद केजरीवाल जी को समझना चाहिए कि जो राजनीतिक घंटा बजाने की वो कोशिश कर रहे हैं, अभी हथौड़ा लग नहीं रहा है। अच्छा। अभी वो एडवर्टीजमेंट की दुनिया से बाहर आए, दिल्ली जाकर देखिए आप लोग पराली में किस तरीके से झूठ बोला उन्होंने, और बाद में जब झूठ पकड़ा गया
तो यू टर्न के लिए तो माहिर है वो, उनके यू टर्न के किस्से तो अब आपका पूरा डिबेट खत्म हो जाएगा। अंत में आऊंगा आपका लखीमपुर पर। लखीमपुर में कानून अपना काम कर रहा है, चार्जशीट दाखिल हो गई है, जो आरोपी है कानून कोर्ट जो फैसला देगा जो सजा देगा उनको मानना चाहिए, वो मानेंगे, उस पर हम लोगों को कुछ नहीं तो कहना है। प्रियंका जी को आप लोग फिर बचा रहा हूँ, नितिन जी उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। प्रियंका जी ने अगर कहा है तो प्रियंका जी भाई बताएं तो कि कैसे और क्यों उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर कोई मुकदमा है, उनके वो किसी चीज के आरोपी है इस मामले में, तो उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर वो होते तो इस चार्जशीट में उनका नाम होता। 13 आदमी 14 आदमी है जिसमें आशीष अंकित और पता नहीं क्या क्या नाम मेरे पास है, सारे लोग आरोपियों का नाम आ गया है। तो अब गिरफ्तारी की बात अगर करती है तो 8000 जब सिख मारे गए तो राजीव गांधी जी गिरफ्तार हुए थे क्या? मैं कहना चाहिए ये कोई बात नहीं होती है कि बेटे ने अगर जुर्म किया तो बाप को बगैर जुर्म के क्यों गिरफ्तार किया जाए और क्यों इस्तीफा दे दे, ये प्रियंका जी को सोचना चाहिए। ठीक है शाही साहब, मैं आता हूँ। इमरान लतीफ हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से। इमरान भाई, शाही साहब ने क्या बोला आपने सुना कि यूटर्न मानने में आपके जो नेता है वो सबसे आगे रहते हैं, और क्यों भाई आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोविड के दौरान सरकार ने विज्ञापन दे देकर अपनी खामियां छिपाई, क्या दिक्कत हो गई आप लोगों को? देखिए नितिन जी, जो यू टर्न की बात हो रही है तो ये समझने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की पहचान किस रूप में है। आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की पहचान अगर है तो सिर्फ इस वजह से है कि ये वो पार्टी है, ये वो नेता हैं जिन्होंने चुनाव में जो वादे किए थे उससे कहीं ज़्यादा काम करके दिखाया था। उदाहरण के तौर पे हमने स्कूल अस्पताल के वादे किए थे, हमने बिजली के दाम आधे करने के वादे किए थे, हमने सरकार में आने के बाद जो है 200 यूनिट बिजली फ्री की, जो हमारा वादा नहीं था, हमारा वादा सिर्फ बिजली के दाम आधे करने का था। हमने महिलाओं के बस यात्रा फ्री करने का वादा नहीं किया था, हमने बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री कराने का वादा नहीं किया था, लेकिन इन सब कामों को भी हमने करके दिखाया। तो हमारी पहचान वादों से ज्यादा काम करने की रही है, हमारी पहचान शुचिता की राजनीति करने की रही है, हमारी पहचान आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दों को राजनीति में केंद्र में लाने की रही है। और देखा गया, जहां तक कोरोना के समय में उत्तर प्रदेश की बात करिए तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जिस जो गंगा हमारे लिए मोक्ष वाहिनी हुआ करती है उसको शव वाहिनी में किस तरीके से तब्दील कर दिया। हमने देखा गाजीपुर से लेकर और कानपुर तक हर जगह लाशें ही लाशें दिखी और कितनी दुर्गति हुई उन लाशों की, किस तरीके से कोरोना के समय में ऑक्सीजन की कमी को लेकर ताहिमाम त्राहिमाम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मचा रहा। तो वो किसी से छिपा नहीं है कि क्या मामलात रहे हैं कोरोना के समय में। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से विफल रही है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी नहीं जानते, पूरी दुनिया जानती है। अभी जो इश्तिहार की बात कर रहे थे, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के कामों का 800 से ज्यादा इश्तिहार दिल्ली के अंदर लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश में उतने इश्तिहार नहीं जीतते जितने दिल्ली में लगा दिए। अच्छा, तो आप बताएं ये क्या है, ये पूरी तरीके से इश्तिहार की सरकार चला। अच्छा, शाही साहब कह रहे हैं कि तिकुनिया कांड को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस और लगातार आप लोग की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अजय मिश्रा को बचाने की कोशिश की जा रही, इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है, तो किसी बेटे के जुर्म पर उसके बाप को सजा क्यों दी जाए? शाही साहब कह रहे हैं, मैं पूछता हूं कि इस मामले की शुरुआत कहां से हुई थी? हाँ, किसने आंदोलनरत किसानों को धमकाने का काम अपने मंच से किया था बताइए? क्या उस पर कोई मुकदमा नहीं बनता है? क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं बनती है? जो उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर लखीमपुर में धरना रत जो किसान थे उनको जो धमकाने का काम मंच से किया था कि समझ जाओ वरना हम समझा देंगे, तो ये समझाया उन्होंने अपने तरीके से, जो उनका बहुत पुराना तरीका रहा जयमिश्र टेनी जी का, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है क्या? इस बयान को लेकर क्या कार्रवाई की प्रशासन ने अब तक, बताएं? इस बयान को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार ने क्या संज्ञान लिया बताएं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुल मिलाकर आज भी बचाने का प्रयास किया जा रहा है और आगे भी बचाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, जहां तक बात, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आए हैं, चुनाव आयोग सक्रिय है। अगर खुदा न खास्ता चुनाव आयोग एक ऐसा कोई नियम लेकर आ जाए, ऐसी कोई गाइडलाइन लेकर आ जाए, ऐसा कोई कानून लेकर आ जाए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों में इन 5 शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगी। पहला शब्द है शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान मुसलमान। इन 5 शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए और इन 5 शब्दों के इस्तेमाल किए बगैर चुनाव लड़ना है तो भारतीय जनता पार्टी वो इकलौती पार्टी होगी
जो इन चुनाव से अपने आप को बाहर करें। ठीक है, क्योंकि जब तक ये धर्म के नाम पर नफरत ना फैला लें तब तक ये राजनीति इस बार कहां हो रहा है, इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ इस बार कहां हो रहा है, इस बार देखिए ये जहां अभी आपने दिखा योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट, वो राम मंदिर की बात करते करते कब्रिस्तान तक पहुंच गए। तो जब तक ये मंदिर मस्जिद की बात ना करें, हिंदू मुसलमान की बात ना करें, पाकिस्तान की बात ना करें, शमशान कब्रिस्तान की बात ना करें, तब तक ये राजनीति नहीं कर सकते हैं। और ये नफरत की बुनियाद पर इस देश को चलाना चाहते हैं, जो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये देश जो है गांधी जी के विचारों पर चलने वाला है, मोहब्बत और अमन के नाम पर चलने वाला है, और ये आने वाला चुनाव भी मोहब्बत के नाम पर होगा, नफरत के खिलाफ ये चुनाव है। जो भी जीते जो भी हारे, लेकिन ये चुनाव नफरत के खिलाफ। ठीक है, थैंक यू। मैं आता हूँ आपके पास। शरीफ हाशमी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। शरीफ भाई बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इत्र कारोबारियों को लेकर के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बयान आया है कि जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें बीजेपी परेशान कर रही है, इस बात को उन्होंने क्यों कहा, मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा। क्योंकि बीजेपी कह रही है कि जो भी कानून के दायरे में आएगा या आईटी के दायरे में आएगा, आईटी उस पर कार्रवाई करेगी, और इतनी जो चीजें निकल रही हैं, एक बड़े पैमाने पर पैसा निकल रहा है, ये सब कहां से इन लोगों के पास आया, ये बीजेपी पूछ रही है। नितिन जी आपको मैं पहले तो नमस्कार करूंगा जी, और बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा कि ये पैसा कहां से आए। ठीक है ना, तो बेचारे पहले आप इनसे पूछिए ये पैसा उनका खुद का था जिन्होंने उस जैन और पीयूष जैन के चक्कर में किसी के चक्कर में किसी और पे छापा मार दिया। फिर जब वो कहीं आज से निकला तो यूटर्न ले लिया गया था आप, उसके पैसे को सीधे सीधे टर्नओवर का पैसा दिखा दिया गया। ठीक है सर, फिर उसके दूसरे जैन का नंबर आ गया ना सर, एक जैन के बाद दूसरे जैन का नंबर आ गया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसकी बात पे कहा कि साहब एक जैन पहले पकड़ा, फिर वो पता चला अपने सहयोगी से तो दूसरे जैन का नंबर आ गया। तो उसी बात तो उन्होंने कहा कि अब संख्यक लोग हैं, जैन समाज के लोग बहुत कम संख्या में हैं, और उनको सरकार इस रूप में प्रताड़ित करने का काम। अच्छा, उन्होंने इस बात पे तो कहा, कुछ नया तो कहा नहीं, क्योंकि इनका डर था इनके सामने खलक गया। इन्होंने पहले अपने जैन को पकड़ लिया, बाद में उन्होंने दूसरे जैन को पकड़ के मेरे जैन को पकड़ने का काम किया कि साहब ये समाजवादी जैन मैंने कहा था, तुमने तो भाजपाई जैन पकड़ लिया, नापा मार दिया। अच्छा, उस बात पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कुछ गलत बात तो कही नहीं, अल्पसंख्यक है ना। ठीक है, ये बताइए शाही, ये हमारे शरीफ भाई कि मुख्यमंत्री जी ने एक बात आज ये कही है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी सरकार आई है जो श्रमिकों के बारे में सोच रही है, और आज 1.5 करोड़ श्रमिकों के खाते में 1,000-1,000 रुपया भेजा गया। तो क्या आप लोग श्रमिकों के बारे में नहीं सोच रहे थे, क्यों नहीं सोच रहे थे, ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि एक सवाल और लीजिए, कल मेरठ में मुख्यमंत्री जी ये कह रहे थे कि राम मंदिर को लेकर के अब बयान आने लगे हैं राजनीतिक दलों की तरफ से, विपक्षियों की तरफ से, कि राम मंदिर हम भी बनवा सकते थे। वो लोग इस बात को कह रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलवाई थी, वो आप लोग को कह रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि आप लोगों ने पूरे कार्यकाल में सिर्फ कब्रिस्तान बनवाया है, उसी में व्यस्त रहते थे। तो ये बयान क्यों कहा, क्यों आप लोग खाली कब्रिस्तान में ही पूरा फोकस किए रहते थे, और ये ब्राह्मण वाला मामला क्या है जो कल एक रथ यात्रा निकाली है विजय रथ यात्रा अखिलेश यादव ने। जी देखिए, राम मंदिर बेशक हम भी बनवा सकते थे जब हम कानून के दायरे में हैं। अगर कोर्ट हमें आदेश देती है कि यहाँ पर मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगा, जिसका आदेश कोर्ट देगी, जिसका हम सब भारतीय सम्मान करते हैं, अगर हमारी सरकार होती, हमारी सरकार के टाइम भारतीय जनता पार्टी हमें आदेश, भारतीय जनता पार्टी के समय के अलावा मेरी समाजवादी पार्टी की सरकार होती और कोर्ट हमें आदेश देती कि साहब ये फैसला राम मंदिर के पक्ष में आता है, तो मैं मंदिर बनवाता ना सर, मैं तो कोर्ट का सम्मान करता। नहीं, वो कह रहे हैं कि पूरा टाइम तो आप लोग कब्रिस्तान के निर्माण में लगे रहते थे। नहीं, ये बताइए कि मंदिर कोर्ट के आदेश से बना या भारतीय जनता पार्टी के आदेश से बना। अब ये मैं कैसे बताऊं, शाही साहब बताएंगे आपको, शाही साहब बताएंगे कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बन रहा है या भारतीय जनता पार्टी के आदेश से बन रहा है, या भारतीय जनता पार्टी ये मेरा आदेश है या राम मंदिर बनेगा, क्या वो कोर्ट का आदेश नहीं है, या उसे माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी का आदेश। ठीक है, बताएंगे। हाँ, मैं पूछूंगा, अभी पूछता हूँ। कोर्ट हमें जो भी आदेश करेगी, हम सब भारतीय लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं, भारतीय नागरिक होने के नाते, तो कोर्ट जो आदेश करती है उसे मानना पड़ेगा, हम सबको सम्मान करना पड़ेगा, चाहे वो समाजवादी सरकार हो, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, फिर चाहे भाजपा हो, तो भाजपा ने कुछ ऐसा नया तो नहीं किया। ठीक
ठीक है शरीफ भाई, मैं आता हूँ लौट करके। अजय चंद चौबे हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अजय जी, ये लखीमपुर मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने फिर ट्वीट कर दिया कि अजय मिश्रा के लिए क्यों इतनी जो जो सॉफ्टनेस है बीजेपी की तरफ से वो दिखाई जा रही है, क्यों ये ट्वीट क्यों किया गया, क्या चाहते हैं आप लोग अजय मिश्रा के साथ, क्या ऐसा हो जाए जो बीजेपी नहीं कर रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था चाल चरित्र चेहरा आज बेनकाब हो चुका है, और ये सिर्फ लच्छेदार भाषणों तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सीमित रह गया है। बीच में जब कार्रवाई करने की बात होती है और जहां इनके पार्टी के लोग हैं, चाहे वो उन्नाव की घटना हो, हाथरस की घटना हो, या लखीमपुर खीरी में किसी का चीरहरण हो, या अमेठी में किसी दलित की बेटी पे जुर्म और अत्याचार हो, या फिर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति राजा राम यादव जी जो आरएसएस के पदाधिकारी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में भी कुलपति नियुक्त किया, जिनके गोरखपुर आवास पे पिछले दो महीना पहले छापा पड़ा था, लगभग 3 करोड़ रुपए बरामद हुए और करोड़ों के गहने और कई प्रॉपर्टियां बरामद हुई, उस पे भारतीय जनता पार्टी यह नहीं बता पा रही है कि और कितने वाइस चांसलरों पे इन्होंने अपने सरकार में नियुक्त हुए वाइस चांसलरों पे छापा डाला, ये तो राजा छापे राम यादव जी को क्या जेल भेजा, क्या डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी पे छापा पड़ा भ्रष्ट लोगों को संरक्षण देने में, क्या इनके मुख्यमंत्री जी ने अपने डिप्टी सीएम को गिरफ्तार कराया, बर्खास्त कराया भ्रष्टाचार रोकने में? अगर गोरखपुर में वो नाकाम रहे, गोरखपुर विश्वविद्यालय में सिद्धार्थ नगर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति के बेटे की नियुक्ति हिंदी विभाग में अयोग्य होते हुए भी हो गई, उस पर सारे लोगों ने वहां विरोध किया, कई प्रोफेसर और कुलपतियों ने विरोध किया, लेकिन राजभवन में खुला संरक्षण प्राप्त है, राष्ट्रपति भवन में खुला संरक्षण प्राप्त है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा खुला संरक्षण प्राप्त है, और संघ द्वारा भी ऐसे भ्रष्ट लोगों को खुला संरक्षण प्राप्त। मैं अजय मिश्रा पे सवाल पूछ रहा हूँ, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के, अरे पहले अजय मिश्रा पे तो बताइए, कुल सचिव 5 लाख रुपया रिश्वत वहां के जेई अमरीश गौतम जी से एसीपी लगाने के लिए मांग रहे थे, उसका ऑडियो जेई महोदय ने टेप कर लिया, उसकी शिकायतें सारे जगह उन्होंने किया, मुख्यमंत्री राजभवन सब जगह, मेरे संज्ञान में आया, हमने भी राजभवन मुख्यमंत्री कार्यालय डीजीपी एसीएस होम चीफ सेक्रेटरी राष्ट्रपति महोदय जी प्रधानमंत्री महोदय जी उपराष्ट्रपति महोदय जी सबको मैंने भी ट्वीट किया, डिबेट में माननीय प्रवक्ता जी पूर्व में भी मौजूद रहे, पिछले बार भी मैंने उठाया था और मैंने पूछा था ऐसे भ्रष्ट लोगों पे कब तक कार्रवाई हो जाएगी, आज तक नहीं हुई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एमएम सिंह की नियुक्ति भाजपा की सरकार में बिना विज्ञापन के, उस पे भी कार्रवाई नहीं हुई, ट्वीट करवाइए फिर, सिद्धार्थ नगर विश्वविद्यालय प्रियंका जी से कहिए ट्वीट करें मामले को लेकर, मुन्ना तिवारी की नियुक्ति अयोग्य होते हुए भी हुई, आज भी राजभवन कार्रवाई नहीं कर रहा, पूरा संरक्षण प्राप्त है, और इसी प्रकार से अजय मिश्रा टेनी जी को भी पूरा संरक्षण प्राप्त है। अगर भारतीय जनता पार्टी की हत्यारी पुलिस गोरखपुर में किसी व्यवसायी की हत्या कर दे तो उसका घर नहीं गिरेगा, उसके भाइयों की गाड़ी नहीं पलटेगी, उनकी गाड़ी नहीं पलटेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी के हत्यारे एसपी महोबा में किसी कृषक व्यवसायी की गुंडागर्दी टैक्स वसूलने में हत्या कर दें तो उनको इनकी ईडी सीबीआई आईबी छापे मार के आज तक नहीं खोज पाई। अब छापे से बड़ी दिक्कत लग रही है, घर नहीं गिरा, आज तक उनके पत्नी पर आंसुका लगा नहीं लगा, आज तक उनके रिश्तेदारों को खुशी दुबे की तरह जेल नहीं भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी का हाथ पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों के साथ है। अच्छा एक सवाल लीजिए चौबे जी, मैं ये कह रहा था कल मुख्यमंत्री जी ने मेरठ में इस बात को कहा कि राम मंदिर का निर्माण कोई और विपक्षी दल नहीं करवाना चाह रहा था, सिर्फ बातें कर रहे थे और विपक्षी दल कब्रिस्तान पर ही लगे रहे समाजवादी पार्टी को लेकर के, राम मंदिर पर आपका क्या स्टैंड है, राम मंदिर निर्माण पर आपका क्या स्टैंड है? देखिये यह बहुत ही दुखद है कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री होते हुए भी झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से? क्योंकि राम मंदिर के निर्माण के लिए आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो जाने के बाद भी
अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो हम 24 घंटे में मंदिर बनवा दिए होते। अरे वाह, उनसे नहीं बनेगा। हमारे नेता माननीय राजीव गांधी जी ने मंदिर का ताला खुलवाया था। इन्होंने तो सिर्फ भगवान राम को तम्बू पे रखा, उनके नाम पे चंदा वसूला, खाया और जमीनें बेच के भी खाया और राम के नाम पे नौजवानों को गुमराह किया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धोखा दे रही है, गुमराह कर रही है और मुख्यमंत्री जी को ऐसा झूठ जनता के सामने नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि संतों पर विश्वास उठ जाएगा लोगों का। ठीक है, मैं आता हूँ। सुभाष यादव जी हमारे साथ विश्लेषक के रूप में जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब है और सभी राजनीतिक दलों की तरफ से कहीं जन विश्वास यात्रा, कहीं विजय रथ यात्रा करें, कहीं ब्राह्मणों को समझाने समेटने की कोशिश चल रही है, कहीं बिजली मुफ्त देने की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ लखीमपुर को लेकर के चार्जशीट की जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, 5,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है, उसमें आशीष मिश्रा पर आरोपी बताया गया है। और इन सबके बीच में एक सबसे अहम मुद्दा जो गरमाया हुआ है वो है आईटी का उत्तर प्रदेश में लगातार सक्रियता बढ़ाना और सपा के नेताओं के घर पे छापेमारी करना। ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश के चुनाव पर कितना असर डालेगी और कितना असर और आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा, क्या बदलाव हो सकता है? लेकिन नितिन जी, सबसे पहले तो मैं आईटी वाली बात कर देता हूँ। जो आईटी की जो रेड हो रही है या ईबी की जो छापे पड़ रहे हैं या सीबीआई के जो छापे पड़ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। न हमारे लिए कोई नई बात है, न आपके लिए कोई नई बात है। अभी चौबे जी जो बोल रहे थे कि जो छापे पड़ रहे हैं, हाँ मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि छापे की जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी गलत है, लेकिन जो छापे की जो राजनीति जो चली आ रही है ना, ये कांग्रेस के जमाने से चली आ रही है। कांग्रेस चुनाव के पास चलाते थे, बिल्कुल कांग्रेस इस मामले में दूध की धुली हुई नहीं है। कांग्रेस भी जब इनके सरकार जब केंद्र के अंदर बैठी रहती थी तो ये भी ईडी के छापे पड़वाते थे, सीबीआई के रेट डलवाते थे, आईटी के छापे पड़वाते थे। ये चला आ रहा है, ये परेशान थे भाई, नहीं ये परेशान हुए तो बता रहे, परेशान होते रहते हैं, ये एक दूसरे को आईना दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये खुद उस आईने के अंदर अपने आप को देखने का प्रयास नहीं करते। राम मंदिर की बात इन्होंने भी जो बोली, ये वास्तविकता है कि यहाँ माननीय न्यायाधीश माननीय न्यायालय के फैसले से हुआ है, कोर्ट का आदेश था इसलिए राम मंदिर बना, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी को एक श्रेय देना पड़ेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था राम मंदिर। ये न तो समाजवादी पार्टी के एजेंडे में था राम मंदिर, न ही कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में था राम मंदिर, किसी भी विपक्षी पार्टियों के एजेंडे में राम मंदिर नहीं था। तो कहीं ना कहीं अगर भाजपा इसका श्रेय ले रही है तो जाहिर सी बात वो लेगी। आज चौबे जी जो बोल रहे हैं राम मंदिर के बारे में, चौबे जी से ही मेरा छोटा सवाल है कि चौबे जी ने कुछ दिनों पहले, भूपेश बघेल शायद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कोई चौधरी लोटन राम निषाद को पार्टी में शामिल किया था प्रियंका गांधी से मिलने के बाद में। ये चौधरी लोटन राम निषाद वही है जिन्होंने फैजाबाद के अंदर, जब ये समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे, इन्होंने बयान दिया था कि मैं राम को मानता ही नहीं हूँ। अच्छा, इन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया था, समाजवादी पार्टी ने उनको निकाल दिया, एक घूम फिर के विकासशील इंसान पार्टी के अंदर पहुंचे सानी जी के पास, वहां पे कुछ दिन रहे, वहां से फिर इनको निकाल दिया गया, ये घूम फिर के फिर कांग्रेस के अंदर आ गए। कांग्रेस अगर राम मंदिर बनवाना चाह रही है और राम मंदिर को मानती है तो एक ऐसे इंसान को पार्टी में शामिल क्यों करती है जिसने राम के अस्तित्व को नकार दिया? क्यों भैया, जो राम को ही नहीं मानता उसको आपने कैसे पार्टी में शामिल करा लिया? राम मंदिर की भी बात करते हैं, उसके अस्तित्व को नकारने वाले को पार्टी में शामिल करते हैं, ये दोहरे रवैये नहीं चलेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, उसको आप क्लियर कर दीजिए। सुभाष जी एक लाइन जोड़ लीजिए, सुभाष जी। जी 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 जी, मैं एक मिनट कंप्लीट कर लूं। सोनिया जी ने भी राम के अस्तित्व को नकारा था, राम सेतु को नकारा था, जी बिल्कुल 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 नहीं नकारेंगे, मैं ये याद दिलाना चाह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल सही जी, मैं उस पर भी आऊंगा, खैर मैं वो मिश्रा जी वाला भी मामला कंप्लीट कर लूं। मिश्रा जी के ऊपर जो आरोप तय हुए हैं, एसआईटी की जो जांच थी आशीष मिश्रा के ऊपर, कि वो पूरी तरह से दोषारोपित हो चुके हैं, कि वो दोष साबित हो गया है, प्लस वो बार बार जो नकारते हुए आए हैं कि मेरे असलहे से कोई फायरिंग नहीं हुई थी, उसके अंदर भी एसआईटी ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि उनके असलहे से फायरिंग हुई थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि गृह राज्य मंत्री जो है, कहीं ना कहीं नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के जो सुप्रीमो बैठे उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगना चाहिए, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में थी तो कांग्रेस के लोगों से अगर इस तरह से कोई दोषारोपित होता था या आरोप सिद्ध होते तो उनके रिश्तेदारों के ऊपर, तो वो लोग नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगते थे, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी उस नैतिकता का पालन करना चाहिए, नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा लेना चाहिए या टेनी जी को खुद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, रही बात आम आदमी पार्टी, ये अखिलेश जी आजकल ब्राह्मणों को मनाने में लगे हुए हैं, सुनने में आया है। देखिए नितिन जी, वास्तविकता तो ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो रोजगार के मुद्दे हैं उस पर बात नहीं होती, चिकित्सा के जो मुद्दे उस पर बात नहीं होती, उत्तर प्रदेश की जो मूलभूत जरूरतें उसके ऊपर बात नहीं होती। केजरीवाल बोल के गए हैं कि उत्तर प्रदेश में कोविड के दौरान क्या हुआ सबने देखा,
देखिए ऐसा तो नहीं है कि सबने देखा, सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिल्ली भी फेल हुई, दिल्ली के अंदर ही बस इंतजामी थी, तो कहीं ना कहीं दोनों जगह है। मैं किसी एक को प्लस नहीं करूंगा ना किसी एक को माइनस करूंगा, लेकिन केजरीवाल ने जो इश्तिहार जी की राजनीति बोली कि इश्तिहार की राजनीति हो रही है, तो इश्तिहार की राजनीति तो दोनों पार्टियां कर रही है। मैं समझता हूँ इश्तिहार की राजनीति करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप काम करोगे जमीनी स्तर पे, जमीनी लेवल पर अगर काम करोगे तो प्रदेश की जनता देखेगी, देश की जनता देखेगी, इश्तिहार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इश्तिहार की राजनीति भी बंद होनी चाहिए यहाँ पे। तो ठीक है, ठीक है, शाही साहब आप क्या कहना चाह रहे थे बहुत देर से, आप बताइए। जी देखिए, अभी जैसे कभी सुभाष जी ने उसको कहा, हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि राम मंदिर का ताला हमने खुलवाया, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि राम सेतु को नकारने वाली आपकी नेता कपिल सिब्बल जी ने हलफनामा देकर कहा कि राम मंदिर बनाना टाल दिया जाए, समाजवादी पार्टी ने गोलियां चलवाई कार्तिकों पर। हाँ ये जरूर है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन हमारे एजेंडे में शुरू से था और हम लोगों ने पूरा प्रयास किया था कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, और हर समय हम लोग यही बोलते रहे हैं। तो हमको बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की इकलौती पार्टी है भारत की कि जिसके एजेंडे में था और जिसका परिकल्पना आज साकार हुआ, वही हम लोग जो वहां काशी में कर रहे हैं वही मथुरा में करेंगे हम लोग। अगर समाजवादी पार्टी हज हाउस बनवाती है, 2013 में एक जियो करके धर थाने में दो सिपाही मुस्लिम रखने की बात करती है, 30,000 रुपए लड़कियों को दिया जाता है वो मुस्लिम लड़कियों को दिया जाता है, हिंदू लड़कियों को नहीं दिया जाता है, हज हाउस ये बनवाते हैं, तो क्या ये सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते हैं? हम लोग करें तो गलत हो जाता है, ये लोग करें तो कहीं नहीं। तो ये इसलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हम विकास की भी बात करते हैं कि हम मेडिकल कॉलेज भी बनवा रहे हैं, हम सड़क भी बनवा रहे हैं, हम गाजीपुर में सब्जी जो किसान उगाते हैं उनकी सब्जियों को मंडी देने का भी भारतीय जनता पार्टी काम करती है, और सहारनपुर साइड में जो विश्वविद्यालय नहीं थे उनको भी खोलने का काम हम कर रहे हैं। अच्छा, बिजली देने के लिए कह रहे हैं केजरीवाल फ्री में 300 यूनिट। देखिए केजरीवाल जी का एक फ्री का फंडा है, दिल्ली में वो फ्री के फंडे को बहुत लोग झेल चुके हैं, उसकी कलई खुल चुकी थी। अच्छा। अभी हमारे साथी कह रहे थे आम आदमी पार्टी के, इनसे पूछिए कि शीला दीक्षित के सरकार में जो छोटे छोटे चिकित्सालय बने थे उस पर इन्होंने बोर्ड लगाकर क्या किया, वहां पर एक अस्पताल खोला, इनका जो एक मोहल्ला क्लिनिक था वहां गाय और कूड़ा क्यों है? इन लोगों से भी पूछा जाना चाहिए कि दिल्ली की क्या स्थिति कर दी है इन लोगों ने। पानी देने का पूरे देश में देखा है, वीडियो 2014-15 से लगातार बोलते चले आ रहे हैं कि हर टूटी में पानी आएगा, वो पानी अभी तक नहीं आया, 24 महीना फिर लगेगा। तो केजरीवाल जी वादों की घड़ी वहां लगाए हैं, वो पूरा झड़ी लगाए हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, आपकी दाल नहीं गलेगी केजरीवाल जी, आप दिल्ली में राजनीति करिए ज्यादा बढ़िया वही। ठीक है, हाँ इमरान क्या कह रहे थे? देखिए नितिन जी, केजरीवाल उस दबंग नेता का नाम है जो हिंदुस्तान की राजनीति का इकलौता ऐसा नेता है जिसने 5 साल तक सरकार चलाने के बाद जनता से वादे नहीं किए, जिसने ये कहा कि अगर हमने काम किए होंगे इन 5 साल में तो आप हमें वोट करिएगा, अन्यथा वोट मत करिएगा। ये साहस हिंदुस्तान की राजनीति में 40-40 साल तक सत्ता में रहने वाली पार्टियां भी कभी नहीं कर पाई। इससे बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पिछली बार भी हमने प्रचंड बहुमत की सरकार दिल्ली के अंदर बनाई थी, इस बार भी प्रचंड बहुमत की सरकार हमने दिल्ली के अंदर बनाई है। जितने दिल्ली में इनके विधायक हैं वो एक इनोवा कार में आराम से बैठ के घूम सकते हैं। तो ये हालत यूपी में भी करेंगे क्या पार्टी की कर दी? बिल्कुल, जब आप उस दिन के बारे में सोचिए जब हमने आम आदमी पार्टी का गठन किया था, जब हम अन्ना आंदोलन में आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिवंगत नेता और तमाम ऐसे नेता जो आज भी मौजूद हैं वो ये कहते फिर थे अगर 3 विधायक जीत कर आ गए तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कांग्रेस के तमाम नेता इस तरह की बयानबाजी करते हुए फिरते थे, लेकिन हमने पहली बार पार्टी बनाई और पहली बार हमने अल्पमत की सरकार बनाई, और उसके 49 दिन के काम के आधार पर हमने दूसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, जो सत्तासीन पार्टी थी वहां की, दूसरी जो बड़ी पार्टी थी वो 3 विधायकों पर सिमट गई। तो हम तो इतिहास रचने वाले लोग हैं, हमने अभी चंडीगढ़ में पहली बार चुनाव लड़ा, ताज़ा बहुत दूर मत जाइए, पहली बार हमने चुनाव लड़ा वहां के नगर निगम में और हम पहली पार्टी बनकर वहां से निकल कर आए। हम पंजाब में सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं, आप भी इस बात को कह रहे हैं, सारी दुनिया इस बात को कह रही है, उत्तर प्रदेश में अब पहली बार मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई। जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है,
जो कभी मुद्दों की बात नहीं करती थी, जिनके मुद्दे में कभी बिजली नहीं होता था, कभी पानी नहीं होता था, कभी किसान नहीं होते थे, कभी स्कूल अस्पताल नहीं होते थे, आज वो भी ऐलान कर रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। ये चलन कहां से आया है? जो लोग कल तक फ्री 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 करके हमको बदनाम करने का काम करते थे, वो आज फ्री देने की राजनीति पर उतरने को मजबूर हुए हैं। ये ताकत है अरविंद केजरीवाल की, ये ताकत है आम आदमी पार्टी की। आप सपा को कह रहे हैं, ये ताकत है आम आदमी पार्टी की। मैं कह रहा हूं, आप सपा को कह रहे हैं, जिस प्रदेश के अंदर जाति हावी थी, जिस प्रदेश के अंदर नफरत और धर्म की राजनीति हावी थी, आज वहां बात हो रही है मुद्दों की। मैं ये कह रहा हूं कि आप समाजवादी पार्टी के लिए कह रहे हैं इस बात। मैं कह रहा हूं कि ये आम आदमी पार्टी की पहली विजय है। नहीं, मैं जो कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं सपा के लिए कह रहे हैं आप इस बात को। बिल्कुल, जिसने भी ऐलान किया मैं उसी की बात कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की ये पहली विजय है कि जिसको लोग विजेता समझ रहे हैं वो हमारे पद चिन्हों पे चलने को मजबूर हुआ है। तो आम आदमी पार्टी जो ओरिजिनल है, जो 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 ब्रांड ओरिजिनल है, जनता उसे लेगी या कोई नकली ब्रांड को लेने के लिए जनता आएगी? तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता को, बस 30 सेकंड और आपका चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता को फ्री बिजली चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता को विश्व स्तरीय स्कूल और अस्पताल चाहिए, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, सशक्तिकरण के लिए 1,000 रुपए प्रतिमाह उनके अकाउंट में चाहिए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा चाहिए, छात्रों को अच्छे स्कूल चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए, नौजवानों को आप मुकदमे दे रहे हैं। सर तो शाही साहब दे ही रहे हैं भाई, सर सर मैं बता रहा हूँ नौजवानों को क्या दे रहे हैं, नौजवानों को आप लाठियां दे रहे हैं, नौजवानों के नौजवानों का आप सर फोड़ रहे हैं, नौजवानों के ऊपर आप मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, नौजवानों को आप जेल भेज रहे हैं। आपका मुख्यमंत्री मंच से नौजवानों से कहता है कि उनको देख लेने की धमकी देता है, उनकी जिंदगी खराब कर देने की धमकी देता है, और जो धमकी उन्होंने मंच से दिया था वो धमकी अब उसको पूरा करके उन्होंने 5 साल के अंदर दिखा दिया है कि नौजवानों के भविष्य बिगाड़ने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। ठीक है, ठीक है शरीफ हाशमी जी, ये तो बात वही होगी, देखा देखी पाप और देखा देखी धर्म। आम आदमी पार्टी को देख करके आप लोग भी कह रहे हैं कि हम बिजली मुफ्त दे देंगे। भाई इन्होंने कहा इस बात को, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ केजरीवाल का, मैं अगर ना... वो कुछ मुफ्त देंगे तो कोई दूसरा नहीं दे देगा। कल मोदी जी कहीं कहेंगे हमने वैक्सीन फ्री दी थी, दूसरी सरकार आ गई और फ्री वैक्सीन हमको देख कर दे रही है, कॉपीराइट है इनका। अब मैं क्या करूं, ये तो ये कह रहे हैं ना, पहली बार सरकार में आए शरीफ भाई, आपसे उलझना ठीक नहीं है, लेकिन पहली बार सरकार में आप नहीं आए हैं अभी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान का फर्क है, दिल्ली दिल्ली और उत्तर प्रदेश है, यहाँ आप जैसे की दाल गलेगी नहीं, क्या बात करते हैं आप, दिल्ली का छोटा सा दंगा नहीं संभाल पाया हमारे पद चिन्हों पे चलने, आप दंगे की बात करेंगे तो मुजफ्फरनगर पे आ जाएंगे, किरकिरी हो जाएगी साहब, आपके टाइम पे दंगा होता है, मुजफ्फरनगर याद कर लीजिए और सैफई का नाच याद कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ मुजफ्फरनगर का दंगा और सैफई का नाच मत बोलिए शरीफ भाई, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, मुजफ्फरनगर का दंगा और सैफई का नाच साथ ही साथ चल रहा था, इतना बड़ा घोषणा हो, मुजफ्फरनगर का दंगा और सैफई का नाच साथ साथ चल रहा था। सुनिए आपके आप शरीफ भाई, आपके विधायक को मंच पर ढकेल दिया जाता है, ये हालत है आपकी, वहाँ पर कैसे उस परिवार से राजनीति जमीन से निकली है इमरान साहब, केजरीवाल जी ने तो पता नहीं किसकी थी, किसको मिल गई, वो कहिए ना अन्ना हजारे। अच्छा, आप लोग की लड़ाई में शाही साहब को बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन अन्ना हजारे को दुआ दे तो उन्होंने उनको जिंदा कर दिया और लायक बना दिया, गैर मुख्यमंत्री बन गए। एजेंडा था जो आपका वो लोकपाल लाया, आपका एजेंडा जिस एजेंडे पे आपने पूरे जनता के बीच आए वो एजेंडा लाए सामने, लड़ाई लड़ी आपने भारतीय जनता पार्टी से, नहीं लड़ी के अंदर सबसे बेहतर सरकार भारतीय जनता पार्टी से, शरीफ भाई हो गया हो गया। अजय चंद चौबे हमारे साथ हैं कांग्रेस से। अजय भाई आज बड़ा शान शांत है कांग्रेस की तरीके, क्या दिक्कत है? ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है आपको देख करके आज, अमूमन आप ऐसा दिखते नहीं है, किसी मुद्दे पर शांत रहते नहीं है। दरअसल मुझे हंसी आ रही है माननीय राजनीतिक विश्लेषक महोदय और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, प्रवक्ता महोदय द्वारा इस देश को गुमराह करने के लिए जो श्रेय लेने की होड़ मची है। मान लीजिए फ्री का देने का जो श्रेय लेने का होड़ मचा था, अब मंदिर का श्रेय अगर होड़ मची है लेने का, तो मेरा एक सवाल है दोनों लोगों से कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस में और भारतीय जनता पार्टी के हर नेता ने कहा था कि कब्रिस्तान अगर होना चाहिए तो गांव में भी शमशान होना चाहिए, तो कोरोना पीरियड में गांव गांव गली गली घर घर को शमशान बनाने वालों को श्रेय लेना चाहिए कि नहीं, वो श्रेय कौन लेगा?
ऑक्सीजन के बिना मरते हुए लोगों का श्रेय कौन लेगा? कोरोना किट में जो घोटाला हुआ उसका श्रेय कौन लेगा? इलाज दे नहीं पाए, बेड दे नहीं पाए, 35-35 लाख में बेड बिके हैं, उसका श्रेय कौन लेगा? बताइए माननीय प्रवक्ता महोदय जी और राजनीतिक विश्लेषक महोदय, अरे विश्लेषक जी क्यों बताइए भाई, आप उसको क्यों घेर रहे हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष बोलना चाहिए। चौबे जी को बोल लेने दीजिए। राम मंदिर बनाना इनका ये अब का एजेंडा बता रहे हैं, जब माननीय राजीव गांधी जी ने ताला खोलवा दिया, राम राज्य पूरे हिंदुस्तान को बनाना हमारे महात्मा गांधी जी का एजेंडा था, उनके ऊपर कल्पना थी। हिंदू महात्मा गांधी की हत्या कराए थे, जिसके मुख से भी मरते वक्त हे राम निकला था, तो राम का नाम जपने वाले की हत्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्यों कराई? और हिंदू नेता तिवारी जी की हत्या, अच्छा ये आपके पड़ोसी है चौबे जी, 23-23 संतों की हत्याएं भाजपा सरकार में क्यों हुई? धर्म का पालन करने वाले चौबे जी, चौबे जी, चौबे जी, एक सवाल लीजिए, सुनिए एक सवाल लीजिए चौबे जी, चौबे जी भाई सुनिए, बताइए, सुनिए तो चौबे जी, ये आपके पड़ोसी बैठे हैं इमरान लतीफ, इमरान लतीफ बैठे हैं बगल में, ये कह रहे हैं कि दिल्ली से इन लोगों ने आपको साफ कर दिया। और नहीं मैं आ रहा हूँ, आप पार्टी पे भी देखिए, आप पार्टी का भी कारनामा देख लीजिए, माननीय अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया, सबको साइड लगा के माननीय केजरीवाल जी ने कहा मैं तो तुरंत लोकपाल लाने ही वाला हूँ, और भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि मैं तुरंत लोकपाल लाने वाला हूँ, देश में सारा भ्रष्टाचार एकदम से मिट जाएगा, पब्लिक को गुमराह करके, उसी में एक लाला रामदेव जी भी थे, उन्होंने कहा कि 15-15 लाख यूं ही मिल जाएंगे, और उसमें जुमला बोल दिया इनके गृह मंत्री जी ने आज भारतीय जनता पार्टी के, और सब लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान की जनता को गुमराह किया, और माननीय केजरीवाल साहब चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन लोकपाल उन्होंने अपने राज्य में भी नहीं लागू किया, और दुखद भारतीय जनता पार्टी ने लोकपाल बनाया, और जिन न्यायाधीशों को लोकपाल में नियुक्त किया गया वो 7 स्टार होटल में रहने को उनको दिया गया, और आज तक लोकपाल में जितनी भी शिकायतें हुई हिंदुस्तान में, उन माननीय लोकपाल महोदय लोगों ने आज तक एक तो पहली बार तो आप इन लोगों के साथ सरकार बनाए थे, नोटिस नहीं भेजा। हाँ। तो अरविंद केजरीवाल जी के नहीं, मैं इतिहास पूछने नहीं बैठा, सवाल मैं इतिहास पूछने नहीं बैठा आपसे, अरे इतिहास नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, सवाल है कि इनके विधायक दोहरा पद का लाभ लेने में घिरे हुए हैं, तो बताइए नैतिकता के आधार पे पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए था, ठीक है, नहीं दे देना चाहिए, ठीक है। सुभाष जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, सुभाष जी क्या कहना चाह रहे हैं? नितिन जी चौबे ये सवाल बहुत पूछते हैं, लेकिन जब इनसे सवाल पूछा जाता है ना, अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बहुत बोल रहे यार, पानी पी लो, रुको तो सही जरा, ये मुझ पर एलिगेशन लगा रहे थे, तो मैं वही कह रहा हूँ कि इनसे क्यों सवाल पूछ, मैं तो सिर्फ यही बोला कि माननीय न्यायालय के आदेश से राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ बनने का, और आज तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थी, क्या ये चौबे जी बताएं कि कांग्रेस के एजेंडे के अंदर था राम मंदिर का निर्माण? पूरे हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी की, बात सुन लीजिए, पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी से, इनका चिल्लाने वाला ये रवैया जो है ये, में राम ये, मंदिर का, ये इनकी बौखलाहट साबित करता है, राम मंदिर बना है आजादी के बाद से, इनकी बौखलाहट है, इनकी बौखलाहट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अच्छा फिर भी कह रहे हैं स्कूटी खुद फिर बांट रहे हैं, भुखमरी आ गई है, कहीं सिंगल मंदिर अगर किसी गांव में स्थापित हुआ हो तो बता दे भारतीय जनता पार्टी, जी मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, नितिन जी ये देखिए इनकी बौखलाहट है, इन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैंने सवाल ये पूछा था कि अगर कांग्रेस पार्टी राम मंदिर की बात करती है तो ये एक ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में शामिल क्यों करती है जिसने राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया था, देखिए उसका जवाब इन्होंने अभी तक नहीं दिया, गांधीवादी विचारधारा के हैं, इनको बड़े चुपचाप बोलने नहीं देते, विशेष से घृणा नहीं करते उसके, इन्होंने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया अभी तक, अगर राम सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल को कौन कर रहा है, कोई अपने विचार बदल के जो पार्टी महात्मा गांधी के विचारों से अगर पूरे हिंदुस्तान को राम राज्य बनाने में अपना सहयोग देना चाहता है, और माननीय निषाद जी को छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार में राम राज्य फील हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने निष्ठा जताई हमारी पार्टी से,
तो पूछिए उनसे जाकर रिश्ता जाता है दोनों राम मंदिर के ऊपर और राम के अस्तित्व सवाल क्यों उठा है। पिताजी ने राम जी को क्या कहा था? देखिए शाही साहब कुछ कहना चौबे जी, आप पूछिए जल्दी से। अरे चौबे जी, चौबे जी शाही साहब कुछ कह रहे हैं, चौबे जी, चौबे जी शाही साहब कुछ कह रहे हैं, जल्दी से सुन लीजिए, जल्दी से सुन लीजिए। अरे साहब समय कम है, शाही साहब कुछ कह रहे हैं, जल्दी से सुन लीजिए, जवाब दीजिए, फिर खत्म करते हैं। तो बघेल साहब के पिताजी ने कुछ कहा था जब उनको वहाँ पर उठाकर सिपाही खड़ा करा के खाना वाना खिलाया जा रहा था फाइव स्टार का, कुछ राम जी को ही कहा था? बघेल साहब के पिताजी ने कुछ किया तो हमारे चीफ मिनिस्टर महोदय जी ने राजधर्म का पालन किया और ब्राह्मणों का पान करने वाले को तुरंत जेल भेज दिया। लेकिन आपके मुख्यमंत्री जी, आपकी पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार घनघोर ब्राह्मण विरोधी है, पूरे देश में ब्राह्मणों पर जुल्म कर रही है, एक भी ब्राह्मण राष्ट्रपति नहीं बनाई, आपकी पार्टी घनघोर ब्राह्मण विरोधी है कि नहीं है? ब्राह्मणों को ठगती रही है, छलती रही है, उत्तर प्रदेश में एक भी बार ब्राह्मण। ठीक है, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, हो गया चौबे जी, चौबे जी हो गया, समय कम है, चौबे जी साफ है आपकी पार्टी को मुक्त नहीं हो पाएंगे। चौबे जी आपको हो क्या जाता है, मुझे समझ नहीं आता। चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की डिबेट में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है और चुनाव को देखते हुए जो राजनीतिक रस्साकशी है उसका माहौल भी अब तेज हो रहा है कि कैसे राजनीतिक दल जनता को लुभाते हैं, कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करी जाए। लेकिन डिबेट के दौरान हम जनता के मुद्दों पर चर्चा करें ही करें, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करें ही करें, राजनीतिक पार्टियों के बारे में जानने की कोशिश करें ही करें, लेकिन इन सबके बीच में थोड़ा जो माहौल है वो माहौल भी खुशनुमा होना जरूरी है, क्योंकि जो राजनीति है उस नीति में अगर जो जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर अगर हम सही तरीके से बैठकर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, तो जाहिर सी बात है हम एक बेहतर सरकार अपने लिए चुन सकते हैं। आज की डिबेट में इतना ही, अमित जनमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।